हेलो गाइस, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है आपके लिए, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। पहला है द आउटसाइडर, क्या फील करें आपके लिए, हीलिंग, साइलेंस, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, कंपैरिजन, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे हार्मनी, टेन ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस वक्त जो है खुद को, आपके पर्सन इस वक्त खुद को रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में वो एक आउटसाइडर की तरह फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनके लिए अपने जो है प्यार के दरवाजे, दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है और यहाँ आपके पर्सन को वो बात जो है, ये चीज़ जो है बहुत अंदर से हर्ट करी है। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन, जितना आप अपने पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं उतना ज़्यादा ही आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको बहुत चाहते हैं, पर आप जो हो उनके आपने उनको अपने लाइफ से लग रहा है इस वक्त जो है कट ऑफ किया है। हो सकता है इस पर्सन की ही पास्ट में गलती रही हो, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। देखिए, आपके पर्सन जो है वो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि उन्हें किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, या तो अपने लुक्स को लेकर या किसी चीज़ को लेकर। इस वक्त आपके पर्सन आपको ज़्यादा खुद से बेहतर समझ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनसे बात नहीं करना चाहते हो, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में हो सकता है आपके पर्सन अभी उनको खुद ऐसे फील हो रहा है कि वो इतने अच्छे नहीं है, ऐसा उनको फील है, ठीक है। पर ये जो पर्सन है इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, क्योंकि देखिए यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, हीलिंग का कार्ड है। ये पर्सन खुद को इस वक्त हील कर रहे हैं और साइलेंट, अगर ये पर्सन आपको प्यार करते हैं पर कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद के ही एक सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं, खुद ही खुद को कम समझ रहे हैं, और इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इन्हें साइलेंस रहने की ज़रूरत है। इनको लगता है इनको अभी खुद के ऊपर और भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा आपके पर्सन के दिल में फीलिंग है। आपके साथ आपके पर्सन बहुत ही कंटेंटेड और बहुत जो है दिल से एक सेटिस्फैक्शन जो होता है वो फील करते हैं आपके बारे में सोचने से। ये पर्सन अगर आपसे सेपरेटेड हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं और रीयूनियन चाहते हैं, फ्यूचर्स देखते हैं आपके साथ। आपको आपकी प्रेजेंस आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग की एनर्जीज लाती हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त अपने किसी लाइफ के ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ की ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत तकलीफ में है। एक मन में गिल्ट है, एक रिग्रेट है कि जब आप उनके लाइफ में थे तब हो सकता है उन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर किया वो ठीक नहीं था, ऐसा उनको फील होता है, या फिर किसी दूसरे पर्सन की वजह से इन्होंने आपको तकलीफ दी थी। तो अब आपके पर्सन को रिजेक्शन जो है वो खुद फेस कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आपको दूर से ही आपके पर्सन देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है आपके साथ, और जिस वजह से अब उनके साथ वैसा हो रहा है। और देखते हैं आपके पर्सन के और क्या फीलिंग्स है। सेकंड चांस, देखिए ये पर्सन आपसे दोबारा मौका चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, अगर कोई समझौता करना है तो वो उसके लिए भी रेडी हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि दोबारा आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो जाए।
देखिए यहाँ पर भी एक जो है ये पीस का कार्ड, ये भी एक तरीके से हीलिंग का ही कार्ड है। आपके पर्सन चाहते हैं रिलेशनशिप में आप लोग के बैलेंस आ जाए, वो चाहते हैं भले ही आप उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहे, कम से कम आप उनके साथ फ्रेंडशिप रख लो, ऐसा आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है। और देखते हैं आपके पर्सन की और क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसेस, थर्ड पार्टीज, अटैचमेंट, पीयर्स। देखिए आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ही आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, ऐसे आपके पर्सन को फील होता है, या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप दूसरी तरफ आपका फोकस है, ऐसा फील कर रहे हैं। और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, इल्यूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसिप्शन, ट्रिकरी। ठीक है, इस पर्सन ने जो है, हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया है और इनके साथ अब वही चीज़ हो रही है। ठीक है, कोई हो सकता है कि यहाँ आपके पर्सन को लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जहाँ कि उनके साथ धोखा हो रहा है, तो अब वो उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। कर्मा, हीलिंग और ट्विन फ्लेम। देखिए आपके पर्सन इस वक्त अपना कर्मा भुगत रहे हैं, जो भी उन्होंने किया था आपके साथ अब वो खुद उसे भुगत रहे हैं, तो उनको वो रियलाइज़ हो रहा है, और इस वजह से आपके पर्सन हीलिंग चाहते हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ही उन्हें हील कर सकते हो, ऐसा आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है। अब अगर आप इस पर्सन के बारे में जो सोच रहे हो, ठीक है, आपके पर्सन भी आपके बारे में वही सोच रहे हैं, शेयर्ड फीलिंग्स आप दोनों के बीच में, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। देखिए वन डे सम वेयर अनदर टाइम, आपके पर्सन को लगता है कि आप लोग ज़रूर कभी ना कभी तो मिलोगे, आज नहीं कल नहीं तो साल बाद, पर आप लोग एक ना एक दिन ज़रूर मिलोगे, सम डे सम वेयर अनदर टाइम। इस वक्त आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है आपके बारे में। हो सकता है आपके पर्सन मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो उनको एक हीलिंग मिलती है आपके बारे में सोचने से, क्योंकि आपके पर्सन को भी ये रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो, आप उनके सोलमेट हो, ऐसा आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है। अब देख लेते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है, उनके पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। थ्री ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, यहाँ पर आया है एट ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स ये रिवर्स्ड आया है, और नाइन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ सोर्ड एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे टू ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप क्या चाहते हैं, भले ही इस इंसान ने आपके साथ जो भी किया है, आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत जो है दया भी है, और साथ में आप इस पर्सन के लिए फील करते हैं कि ये अगर तकलीफ़ में है तो आपको भी दुख हो रहा है। ठीक है, आप भी फील करते हो। देखिए आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ, अगर ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलेशन, तो ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आप चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी से कट ऑफ करके आपसे कम्युनिकेट करे। ठीक है, ऐसा आप चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए नाइट ऑफ सोर्ड भी आ रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन ले, अगर ये चाहते हैं आपके साथ कि रिकन्सिलेशन हो तो ये अपने तरफ से एफर्ट करे, आप ऐसा चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स ऐसी है, और देखिए आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे खुद से ही आगे बढ़ के
कम्युनिकेशन करें, आप हो सकता है इस पर्सन के ही तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, पर ये पर्सन जो है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए फाइव ऑफ कप्स है, ऐसा लग रहा है आपने अपने जो रिग्रेट्स है, अपने जो सॉरो है, अपना जो दुख है, उससे आप मूव ऑन ऑलरेडी आपने करना शुरू कर दिया है, और आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन, आपको ये लगता है कि आपके पर्सन अगर आपसे बात करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अगर उनके लाइफ में कोई दुख है या वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, तो उन्हें, आपको पता है कि आपसे बात करके आप उन्हें डेफिनेटली वो हील कर दोगे, जिससे कि वो किसी पास्ट के किसी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, किसी दुख से बाहर निकल पाएंगे। आपको ये पता है कि आपके कम्युनिकेशन में वो पावर है, आपके आवाज़ से ही हो सकता है आपके पर्सन हील हो जाते हैं, ऐसा जो है आप सोचते हो। ठीक है, नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, हालांकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, पास्ट आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहा है उसने हर्ट किया है आपको, फिर भी आपने इस पर्सन के लिए, आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, आप इस पर्सन को प्यार करते हो, और जिस वजह से आप इन्हें मौका देना चाहते हो। देखिए यहाँ पर आया है किंग ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया है, तो किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि आपको लगता है कि जो आपके पर्सन हैं वो अपने फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, ट्रू फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या फिर हर्ट हो जाएंगे वो, इस वजह से आपको भी ये वाली फीलिंग, आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो शेयर्ड फीलिंग्स आप वो फील कर पा रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त गार्डेड एनर्जी में है, ये भी आप फील कर रहे हो, और ख़ुद को ये पर्सन प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे डेफिनेटली अट्रैक्शन फील करते हैं, ये आप भी रियलाइज़ कर पा रहे हो, आपको भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे एक अट्रैक्शन फील करते हैं, पर हर्ट होने के डर से ये आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं या फिर आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि ये पर्सन अपने तरफ से कम्युनिकेट करे, अगर आपसे मतलब आपको लगता ही है कि ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं कम्युनिकेशन, पर हर्ट होने के डर से नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर टू ऑफ कप्स, ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में दोबारा फ्रेंडशिप हो जाए, दोबारा बातें हो जाए। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको लगता है कि आपको खुद ही अब रियलाइज़ हो चुका है कि आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा वर्क किया है कि अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको एक क्लियर विजन है कि आपका लाइफ कहाँ पर जा रहा है, तो आप किसी दूसरे को भी गाइड कर सकते हो। ठीक है, आप अपने पर्सन को भी गाइड कर सकते हो, अगर ये पर्सन दोबारा आपके पास आते हैं तो आप इनके साथ, अगर ये फ्रेंडशिप आपसे चाहते हैं, आप हीलिंग चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को हील भी कर दोगे, और पास्ट में इन्होंने जो भी किया है उसके लिए भी आप माफ़ करने के लिए रेडी हो। ठीक है, आपके पर्सन के तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, और क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। आई वॉन्ट यू मोर देन यू विल एवर नो। ठीक है, आपको वो कितना चाहते हैं अपने लाइफ में आपको बता भी नहीं सकते हैं। आई फील सो गिल्टी द वे आई ट्रीटेड यू, उन्हें बहुत इस वक्त गिल्ट फील हो रहा है उन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया। आई कुडेंट स्लीप एट नाइट, आपके लिए आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं, और आपके लिए आपको क्या बोलना चाहते हैं। कार्मिक पार्टनर, ठीक है, हो सकता है अभी आपके पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन से निकले हैं या फिर कार्मिक पार्टनर के साथ हैं जो कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है या कर रही है। आई विल हील ऑल योर पेन, उनको पता है कि आप उनके सारे पेन ख़त्म कर दोगे, हील कर दोगे, या फिर उनको लगता है कि वो आपके लाइफ में अगर कोई पेन है तो वो उसे हील कर देंगे। टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी, टेक्स्ट मी, वो आपके टेक्स्ट कॉल का वेट कर रहे हैं। व्हाई वी मेट वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, उनको लगता है कि हम मिले ही क्यों थे जब हमारा आपस में साथ नहीं लिखा था। आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड इन माई लाइफ, आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, ये भी आपको बोलना चाह रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।